भिवानी पुलिस ने पकड़ा एयरफोर्स में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी करने वाले नटवरलाल को। जी हाँ, भिवानी पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को पकड़ा है जो लोगों को एयरफोर्स में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी करता था। इसने पूरे भारतवर्ष में कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। ये ठग लोगों को नकली नियुक्ति पत्र देता था, उन्हें आईडी कार्ड बनाकर भी देता था जो कि हूबहू एयरफोर्स जैसे होते थे, और उनसे मोटे पैसे ऐंठ कर फरार हो जाता था। अब ये नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त में है। दिनांक 7/11/2022 को निक्सन एक व्यक्ति गांव खरक का है, उसने शिकायत दर्ज करवाई थी मेरे लड़का सौरव को मोनू शर्मा द्वारा नकली इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग पत्र देकर मेरे से 3,08,000 रुपये बतौर रिश्वत धोखाधड़ी करके लेने पर, जो बाद में पता चला कि जो जारीशुदा पत्र नकली था। इस संबंध में शिकायत मिलने पर मुकदमा नंबर 429/2022 दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान आए साक्ष्यों के अनुसार मोनू शर्मा को गुड़गांव से दिनांक 9/7/23 को गिरफ्तार किया गया है। मोनू शर्मा गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़ जींद रोड भिवानी आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन, और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़ भिवानी, मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। हमारे आरडी रिसोर्ट में 20 कमरे हैं, एक सेंट्रल एसी का हाल है जो कि बहुत बड़ा है, 80x150 फुट का, 12,000 स्क्वायर फुट का। हमारे भिवानी शहर में ऐसा हाल अब तक नहीं था सेंट्रल एसी का जो कि हमने बनाया है। हमारा आरडी रिसोर्ट जींद रोड पे नज़दीक तिगड़ाना मोड़ पे है जो कि हमारा मेन रोड पे है, और हमारी पार्किंग सबसे बड़ी है, 400 गाड़ियों की पार्किंग है। हम अपने रिसोर्ट की ओर से यदि कोई लड़की की शादी करता है हमारे रिसोर्ट में तो उसको 5100 रुपये नकद जमा हमारे रिसोर्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर देते हैं। इंडियन एयरलाइंस में नकली पायलट के पद पर कार्यरत होने बारे लोगों को बतलाकर गुमराह करता था, जिसकी वर्दी, बेल्ट, कैप और एक लोगो पहचान पत्र ये उससे बरामद किए गए हैं। जो निक्सन को एक नकली पहचान पत्र, ज्वाइनिंग पत्र जो दिया था वो भी असल प्राप्त किया गया है, जो सौरव को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करवाने के लिए जारी किया गया था। भिवानी में पहली बार अस्पताल आया आपके द्वार, एमके हॉस्पिटल लेकर आए हैं स्वास्थ्य सेवा किफायती दरों पर। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आपके शहर भिवानी में एमके हॉस्पिटल भिवानी आपके लिए लेकर आए हैं सभी सुविधाओं से सुसज्जित मोबाइल परीक्षण बस, यानी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिसमें आपको सभी सुविधाएं जैसे कि ECG, एक्सरे, खून की जाँच, अनुभवी व प्रशिक्षित डॉक्टरों का परामर्श आदि सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इसी के साथ अनुभवी डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी सहयोग आपके द्वार पर होगा, जिससे हमारी कोशिश रहेगी सभी गांव व आसपास के इलाकों में जाकर इलाज व परामर्श प्रदान करवाना, वो भी किफायती दरों पर। आरोपी को दिनांक 10/7 को माननीय अदालत के समक्ष पेश करके 6 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड मंजूर प्राप्त किया था। दौरान पुलिस हिरासत रिमांड ये सभी चीज़ें, वस्तुएं, वर्दी का हिस्सा, उसने जो पत्र जो जारी दिया था ये बरामद किए गए हैं। कल दिनांक बाद बरामदगी बंदवाला थाना कराया गया, आज पुलिस हिरासत रिमांड समाप्त है, उसको पेश अदालत किया जाएगा। मोनू शर्मा द्वारा एक आंतरिक सुरक्षा के अंदर अपनी दोष जमाना, अपना कार्य करना सामने आया है। अभी तक कितने का फरोड कर चुका है सर? अभी तक इसके खिलाफ जो FIR गए तथ्य के अनुसार कोई मालूम नहीं हुआ है। हाल ऐसे चोट को इस संबंध में सूचना दी गई है, यदि किसी के संबंध में वांछित है तो संपर्क कर सकता है। कहाँ कर रहे नहीं हो रहा है?
मूल निवासी श्यामली के पास का रहने वाला है। सथाई तीन पते बदल चुका है। गोहाना में माता पिता रहते हैं, दिल्ली में रहता था, गुड़गांव में रहता था, लखनऊ में रहता था, बॉम्बे में रहता है। अकेला ही करता था या कोई और भी साथी इसके साथ? अकेला करता है। सर किस प्रकार? नहीं, प्रारंभिक पूछताछ पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान अन्य किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं होना पाएगा। लोगों को झूठा प्रमाण पत्र दे करके नौकरी पर लगवाने के नाम से पैसे ऐंठने के लिए सारे काम करता था। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर इसने इंडिगो एयरपोर्ट के ऊपर एयरलाइंस में कार्य किया है, बॉम्बे में कार्य किया है। ये एक मोमेंटो उसके घर से बरामद किया गया है, इसके ऊपर उसकी फोटो भी है और पहचान चिन्ह भी है इंडियन एयरलाइंस के जो चिन्ह लगाए हुए हैं। कोई इस बात के सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं लड़ाकू विमान चलाऊंगा या साधारण सवारी यात्री जो विमान चलाऊंगा, लेकिन ये जो कार्यालय में जाता था, एयरपोर्ट पर जाता था, तब ये वर्दी मिला था। मेरा नाम हेमी भारद्वाज है, मैं परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं माइक्रोब्लेडिंग, लिप्स, नेल एक्सटेंशन, आई लेसेज, हेयर एक्सटेंशन परमानेंट करती हूँ ताकि मेल या फीमेल की ब्यूटी में चार चांद लगा सकूँ। आम जनता हरियाणा वासियों से निवेदन है कि नौकरी के संबंध में जो भी धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति हैं उनसे सावधान रहें। वो किसी भी प्रकार का विज्ञापन भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है नौकरी के लिए, अन्यथा कोई भी पत्र जारी करता है तो वो जाली है। अपना कोई भी पहचान पत्र प्राप्त करने से पूर्व जिस स्थान के ऊपर नौकरी पाना चाहते हैं उस स्थान, उस विभाग से अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि उस विभाग में उस पद की आवश्यकता या उस विभाग में उस पद के लिए कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया है, आवश्यकता है या कोई पद के लिए स्वीकृति दी गई है या नहीं, इस संबंध में अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही किसी आदमी के झांसा में आए और ना आए यह फैसला बाद में करेंगे।